आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। 5 से 6 प्याज लेंगे। प्याज को हम ऐसे खड़े में काट लेंगे। लहसुन लेंगे, लहसुन को भी बारीक चॉप कर लेंगे। और 2 से 3 हरी मिर्च। यहाँ पे हमने आधा किलो टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। प्याज को हम जीरे और राई से बघार लेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तो इसमें हल्दी, आधा चम्मच हल्दी मिला देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो इसमें कटे हुए टमाटर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और अच्छे से चला देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको ढक देंगे किसी भी ढक्कन से। ढकने से ये होगा कि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी पक जाएंगे। ये टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थोड़ी देर बाद फिर से ढक्कन को खोल के चलाइएगा और थोड़ी देर के लिए और ढक दीजिएगा। साइड में हरी धनिया को काटना है और उसके बाद इसे हरी धनिया के साथ गार्निश करना है। इसे आप दाल चावल के साथ या फिर रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथी के पराठे बना के बताऊंगी। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। खट्टी मिट्टी सी लगती है क्योंकि टमाटर खट्टे भी होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।